एक्सरसाइज 13.3 और क्वेश्चन नंबर है 4। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखे थे कल 3, बस उसी के सिमिलर बोल सकते हैं क्वेश्चन को, बस थोड़ा सा चेंजेज आया है यहाँ पे। कल जो हमने क्वेश्चन पढ़ा उस क्वेश्चन में क्या देखा, जो कुआं खोदा गया था उसमें से जो मिट्टी निकाला गया था उसका उपयोग करके हम लोग बनाए थे चबूतरा, जिसपे बैठ गया था कबूतरा ना। लेकिन आज की डेट में जो हम देखेंगे क्वेश्चन, उसमें क्या है, वो मिट्टी निकाल करके मेर बना दिया गया। मेर तुम लोग जानते हो, जिसको कहते बांध, मतलब कुआं खोदा, कुआं से जो मिट्टी निकला उससे चारों तरफ क्या कर दिया, मिट्टी भर दिया, मेड़ बना दिया, ऊंचा कर दिया। वो भी चबूतरा ही एक प्रकार का है, लेकिन वह चबूतरा बलय आकार का है, रिंग आकार का है, रिंग जैसा देखने में लगेगा। देखो क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं पहले, कि व्यास 3 मीटर का एक कुआं खोदा गया है। बहुत मजा आएगा इस क्वेश्चन में, ये भी क्वेश्चन आसान ही है। देखो व्यास कितना था, 3 मीटर। व्यास यहां से यहां तक कितना है, 3 मीटर व्यास का एक क्या खोदा गया है, कुआं खोदा गया है, और जिसकी गहराई है 14 मीटर। गहराई कितनी है, 14 मीटर। इससे निकली हुई मिट्टी को कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ा, 4 मीटर चौड़ा, इसके चारों तरफ कितना मीटर चौड़ा, 4 मीटर। देखो इधर बना दिए कितना, 4 मीटर चौड़ा। वाह बहुत ना, 4 मीटर चौड़ा, 4 मीटर चौड़ा, 4 मीटर चौड़ा, कितना मीटर चौड़ा, 4 मीटर। थोड़ा और 3 से थोड़ा ज्यादा होगा ना, ठीक है, लगभग 4 मीटर चौड़ा एक वृत्ताकार बलय, यानी रिंग जैसा वृत्ताकार बलय। तो हम लोगों को थोड़ा कल्पना करना होगा, हम कल्पना चावला नहीं करना होगा, ठीक है। देखो अब बोला इस बांध की ऊंचाई, तो ऐसा बना दिया गया। ये जो ये कुआं का जो है, ऊपर से अगर देखेंगे तो हमें कुछ इस प्रकार का प्रतीत होगा, कल्पना करते यहां तक आएगा ना, और ये जो ये चीन है कुछ इस प्रकार से जाएगा ना, जाएगा है, समझ में आ रहा बात, फिगर कुछ इस प्रकार का बनेगा, कल्पना कर रहे हैं, हालांकि ये लाइन दिखेगा नहीं। कुआं तुम लोग देखा, उसके ऊपर चारों तरफ से बाउंड्री किया गया है, तो बाउंड्री देखने में कैसा लगता है, रिंग जैसा। अगर ऊपर से देखेंगे, अगर ऊपर से देखेंगे, फ्रंट से देखेंगे, तो कुछ इस प्रकार का शेप नजर आएगा, आएगा ना, कुछ इस प्रकार का शेप नजर आएगा ना ऊपर से देखने में। तो अंदर का जो व्यास है वह कितना है, 3 मीटर। अंदर का जो व्यास है वह कितना है, 3 मीटर। तो त्रिज्या क्या होगा, 3/2 यानी 1.5 मीटर होगा। मेर की चौड़ाई कितनी है, 4 मीटर चौड़ा है मेर। तो देखो अब बड़का के लिए यहां से यहां तक का त्रिज्या का बात करेंगे, रेडियस का बात करेंगे, तो 4 + 1.5 यानी कि 5.5 मीटर हो जाएगा। किसको किसको दिक्कत नहीं हुआ यहां तक, देखो ये कुआं का गड्ढा दिख रहा है ऊपर से, ये साइड से क्या दिख रहा है, मेर। कितना चौड़ा मेर है, 4 मीटर चौड़ा मेर है, अच्छा खासा चौड़ाई है, आराम से आदमी सो सकता है इस पे। 4 मीटर चौड़ा ये मेर है, कुआं का क्या है, होल दिख रहा है, कुआं का ऊपर से जो होल होता है वो दिख रहा है, और होल का जो व्यास था वह था 3 मीटर, तो त्रिज्या हो गया 1.5 मीटर, अब प्लस 4 मीटर और चौड़ा, तो कुएं के सेंटर से अगर देखा जाए तो टोटल कितना लेंथ हो जाएगा, 5.5। तो यहां पर देखा जाए तो रेडियस कितना दिख रहा है, 2 रेडियस दिख रहा है, एक बड़ा रेडियस दिख रहा है, इसको मान लेते हैं हम लोग कैपिटल आर, एक छोटा रेडियस दिख रहा है ना ये 1.5 मीटर का, ये इसको मान लेते हैं हम लोग क्या चीज, स्मॉल आर, इस रेडियस का मान लिया हमने स्मॉल आर, समझ आ गया बात। कितना आसान है, देखो ध्यान से कितना आसान लग रहा है, बड़ा देखो कितना सिंपल सा है। हम लोग जानते हैं वॉल्यूम का फॉर्मूला, क्या जानते हैं वॉल्यूम का फॉर्मूला, देखो वॉल्यूम बराबर होता है लाल बाबू हत्ता में ना, अरे सब चीज का फॉर्मूला यही होता है, रियलिटी यही है कि किसी भी वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, ठीक है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो अगर इसकी बात करें तो क्या दिख रहा है, एक वृत्त जैसा दिख रहा है, बड़का वृत्त आएगा बीच में, छोटका वृत्त, तो बड़का वृत्त में से छोटका वृत्त घटा देंगे यानी कि हटा देंगे, तो ये निकल जाएगा ये एरिया,
समझा रहा बात, कैंची लेके भी काटोगे ना तो जैसे ही काट के फेंकोगे तो ये एरिया निकल जाएगा। तो ये एरिया क्या है, एक रिंग जैसा है, बलय जैसा है, और बलय का क्षेत्रफल हम जानते हैं फॉर्मूला क्या जी, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये निकल के आया क्या, इसका क्षेत्रफल, बलय का निकल के आया क्षेत्रफल। लेकिन इस बलय में क्या था, एक हाइट भी था, तो इसका वॉल्यूम निकालने के लिए गुणे हाइट। ये मेरा बन गया फॉर्मूला, मतलब समझ में आया कि बड़का वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटका वृत्त का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, यानी कि कैसे का क्षेत्रफल निकल गया वृत्ताकार बलय का क्षेत्र, सॉरी क्षेत्रफल कहते आयतन, वृत्ताकार बलय का आयतन। तो आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई गुणे चौड़ाई मिलकर बन गया क्या, वृत्त का क्षेत्रफल, बड़का वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटका वृत्त का क्षेत्रफल, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच। ये कॉन्सेप्ट को भी समझना, देखो पाई कैपिटल आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा पाई आर स्क्वायर, तो बड़का के लिए कैपिटल आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल छोटका के लिए क्या हो जाएगा पाई स्मॉल आर स्क्वायर। पाई इसके पास भी, पाई इसके पास भी, पाई कॉमन ले लेंगे तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। और हाइट से गुना कर देंगे तो इसका निकल जाएगा वॉल्यूम, समझ में आ गया। यानी कि कुएं से निकाले गए मिट्टी का आयतन, कुएं से निकाले गए मिट्टी का आयतन बराबर चारों ओर वृत्ताकार बलय बलय आकार जो बांध बनाया गया है उसका आयतन, दोनों का समान होगा, है कि नहीं। पहले की बात, ये बात बचा चुके हैं ऐसा उसे बात कि अगर ग्वाला कोई एक बाल्टी दूध दो ले उसको जाकर के बड़ा ड्राम में रख दे तो एक ड्राम दूध नहीं हो जाएगा, समझ में आ रहा बात। 10 लीटर का अगर बाल्टी है तो 10 लीटर ही उसमें भी होगा, 50 लीटर के ड्राम में डाल देने पर 50 लीटर दूध नहीं बन जाएगा, बस दूध का रूप बदल जाएगा, चपटा हो जाएगा, फैल जाएगा, यही ना होगा। लेकिन नहीं बदलेगा वो क्या, तो वो है वॉल्यूम। वॉल्यूम नहीं बदलता है, इसलिए इसमें से जो मिट्टी निकल के आएगा वह इस रिंग के आकार का ही, मतलब रिंग के आकार में जो मिट्टी लगेगा उतना ही होगा, यानी दोनों का आयतन क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो चलो लिख देते हैं हम लोग, पहले लिख देते हैं ना, कुएं का व्यास ठीक है बराबर कितना है, 3 मीटर। तो त्रिज्या, अब हमको ये समझ में नहीं आता है, कोई के बच्चा बोल दिया 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर का कुआं होगा अगर तो लगता है हाथ भी नहीं घुसेगा उसमें, हाँ इतनी सा होगा, हाथ तो नहीं जाएगा, तो बाल्टी से पानी कैसे निकालेगा। तो 3/2 मीटर ठीक है, यानी कि बोल सकते हैं हम लोग 1.5 मीटर, क्लियर है। कुएं का क्या पता चल चुका है हमें, व्यास पता था, त्रिज्या निकल चुका है, कुएं की गहराई भी पता है हमें, कुएं की गहराई यानी कि हाइट डीप कितना है वो, तो वह है 14 मीटर। अब ध्यान से देखते हैं हम इस फिगर को तो हमें क्या ज्ञात होता है कि सिंपल सा बात है, हम चारों तरफ मेढ़ लगाएंगे तो इसमें थोड़ी भरने जाएंगे, फिर तो कुएं ढक जाएगा, तो इस थोड़ी ही के ना भराया होगा, खोखला होगा भर, मेढ़ भी खोखला होगा बीच से, तो देखने में कैसा लग रहा होगा, लग किरा हुआ क्वेश्चन ही बोल दिया, एक वृत्ताकार बलय के जैसा है। तो वृत्ताकार बलय बना है क्या चीज से, मिट्टी के ढेर से, तो इसमें दो त्रिज्या दिखेगा ना, एक अंदर की ओर त्रिज्या, एक बाहर की ओर त्रिज्या, एक त्रिज्या मेरा दिखेगा यहां से यहां तक, दूसरा त्रिज्या हमें दिखेगा यहां से यहां तक जाओ कहीं तक जाओ, दिखेगा ना दो त्रिज्या, कैपिटल आर स्मॉल आर दिखेगा, जहां यहां पर दिखा भी दिए हैं ऊपर से करके, कैमरा ऊपर ले गए थे, ऊपर से दिखा दिए कि ऐसा दिखेगा, तुम लोग भी देखा होगा, ऊपर से देखने पैसे नहीं दिखेगा, अंदर पानी दिखेगा, 3D नहीं बनाया ठीक है। तो देखते हैं, हाँ तो चलो करते हैं आगे। मिट्टी कुएं से निकाले गए मिट्टी का प्रयोग कर, कुएं से निकाले गए मिट्टी का प्रयोग कर बनाए गए वृत्ताकार बलय मत होता है रिंग, ठीक है वलय, वृत्ताकार बलय
बल है आकार, बल है आकार, बांध क्या है बांध का आंतरिक त्रिज्या, आंतरिक मतलब होता है अंदर का, आंतरिक मतलब क्या होता है हाँ आंतरिक त्रिज्या जो होगा वह क्या होगा यही ना होगा है समझा बात। और बाहरी त्रिज्या जो होगा जिसको हम लोग मानते हैं कैपिटल आर वह क्या हो जाएगा तो 4 मीटर चौड़ा मेर था है तो क्या हो जाएगा 4 + 1.5 मीटर क्लियर है यानी कि 5.5 मीटर समझ में आया। कुआं वाला रेडियस था प्लस ही चौड़ाई मिल के नहीं बन जाएगा टोटल कितना 5.5 मीटर। अब हमें निकालना क्या था इस बांध की ऊंचाई ज्ञात करनी थी, क्या निकालनी थी इस बांध की ऊंचाई। बहुत सिंपल सा बात है निकाले गए मिट्टी का आयतन किसमें से कुएं से निकाले गए वृत्ताकार कुएं से वृत्ताकार बेलनाकार कुएं से निकाले गए मिट्टी का आयतन बराबर वृत्ताकार बलय आकार बांध का आयतन क्या। तो हम लिख सकते हैं प्रश्न से लिख सकते हैं क्या चीज लिख सकते हैं कि बेलनाकार कुआं से निकाले गए मिट्टी का आयतन बराबर जगह नहीं तो नीचे लिख देते हैं बराबर मिट्टी से बने वलय आकार या वलयाकार लिख सकते थे वलय आकार बांध का आयतन आयतन। तो हम पहले ही कॉन्सेप्ट समझा चुके थे देखो बेलन का आयतन तो दुनिया जानता है कि पाई आर स्क्वायर एच होता है ठीक है। अब देखो इसका आयतन क्या फॉर्मूला जाने पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच होता है। अब दोनों एच ही होगा तो मार कर लेगा ना दिक्कत हो जाएगा ना तो दोनों का नाम अलग रखेंगे एक को मान लेंगे कैपिटल एच चलो हम लोग जिसको मान या एच डैश मान लेते इसको मान लेते हैं एच डैश ये भी मेंशन कर देते हैं यहाँ पे यह बात लिख देंगे माना कि बांध की ऊंचाई माना कि बलयाकार बलय ठीक है ये वलय आकार बांध की ऊंचाई क्या मान लेते हम लोग एच डैश क्या मान लिए एच डैश क्या है लोग ऊंचाई एच डैश बराबर एक्स क्या मान लिए एक्स क्रिकेट कोई दिक्कत नहीं ना किसी को कोई दिक्कत कोई खोकी कोई खखार है निकालो फेंक दो ये मान लेता है यहाँ पे ठीक है इसके नीचे मान लेंगे ठीक है ना यहाँ पे चलो इसके नीचे लिख देंगे ठीक है। चलो आगे देखते हैं तो पाई से देखो ना पाई से तो पाई पंगा ले लिया दंगा कर दिया ना देखो स्मॉल आर की जगह पे कितना मेरा वैल्यू है 1.5 हम लिखेंगे ना हम 3/2 लिखेंगे क्या दिक्कत है 3/2 / 3/2 समझ आ रहा बात इंटू एच तो एच की जगह पर कितना है एच की जगह पर कितना है एच की जगह पर 14 है गुने 14 मीटर गुने मीटर गुने मीटर मीटर क्यू मीटर क्यू बराबर कैपिटल आर का वैल्यू कितना है 5.5 ना माइनस रुक जाओ देखो देखो कॉमन सेंस लगाओ यहाँ देखो इस पे लगा दिए पहले स्क्वायर देखो यहाँ से स्क्वायर माइनस हाँ बोलो 1.5 पे लगा दिए स्क्वायर ब्रैकेट बंद है ना एच डैश की जगह पे क्या लिखेंगे x माने है क्या माने हैं x मीटर स्क्वायर गुने मीटर स्क्वायर माइनस मीटर स्क्वायर यहाँ पर लिखाएगा। अब x को मान लेते हैं अगर हम लोग मीटर तो यहाँ पर मीटर क्यूब हो जाता मान है तो मान लो समझिए लो मान लो मीटर क्या ये बन जाएगा क्या चीज मीटर क्यूब से मीटर क्यूब दंगा कर दिया ठीक है। अब देखो यहाँ से 2 × 7 = 21 बट्टा तो रहने देते हैं अभी फिलहाल के लिए। अब देखो a² - b² पे चला जाएगा बहुत आसान कैलकुलेशन हो जाएगा
क्यों गुणा उनात्मक करे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखो कितना आसान हो गया, दंगा करने चला था ये पॉइंट वाला, तो अब बचा ही नहीं बेचारा, क्या नहीं बचा, देखो साढ़े पांच या डेढ़ जोड़ेंगे तो कितना, साढ़े पांच रुपया, डेढ़ रुपया मिलेगा, सात रुपया है, ये सब है ना अपना कवरेज एरिया में, सात गुने ये देखो साढ़े पांच रुपया में से डेढ़ रुपया चल जाएगा, कई रुपया बचेगा, चार रुपया बच जाएगा, लो इनटू कवरेज एरिया में सब ठीक है, पक्का ना, तिरसठ बट्टा दो ठीक है, तो नहीं है कवरेज एरिया से बाहर जा रहा है, तो चलो यहाँ पे हम कर देते हैं ना, यहाँ देखो तो यहाँ से हम x बराबर क्या लिख सकते हैं, जो आप सट्टा मारे फट्टा डाले बट्टा, तो तिरसठ बट्टा दो है ना, ये भी सब आ जाएगा, बट्टा सात गुने समझ रहे, गुना था भाग में चला गया, आ सात से सात नवा तिरसठ कर लिया क्या, तो x बराबर क्या आ गया, नौ बट्टा आठ, आठ से लगा देंगे भाग, तो मेरा आ जाएगा हाइट 1.125। अच्छा ठीक है, तो x बराबर कितना आ गया 1.125 मीटर, अभी नहीं मीटर, अभी नहीं मीटर, मीटर तो कहानी खत्म है, x का वैल्यू आ गया हमें क्या 1.125 मीटर, तह करके लिख देंगे बलयाकार बांध की ऊंचाई h डैश बराबर x के जगह पर देख दी रखेंगे 1.125 अपने पुर गया मीटर ठीक है, तब लिख देंगे अतः अतः वलय आकार बांध की ऊंचाई बराबर कितना 1.125 मीटर, और यही होगा मेरा फाइनल आंसर, तो चलो इसको कर लो नोट।